हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ कैप्चर संध्या। और जैसा कि हमने बताया था कि मेरी भतीजी की शादी होने वाली है, तो हम लोग निकल दिए हैं। तिलक में हम लोग गए थे, फिर तिलक से वापस आ गए थे लखनऊ। बच्चों का स्कूल भी था और मेरी पूरी प्रिपरेशन भी नहीं थी शादी की, तो वो सब तैयारी करके अब हम लोग जा रहे हैं 22 को। उसका आज वो 23 को लेडीज़ संगीत है और मेहंदी है सब, तो ये सब फंक्शन है। तो आज हम लोग 22 को शाम तक पहुंच जाएंगे 7-8 बजे। तो हम लोग बच्चे स्कूल गए थे, अभी स्कूल से आ गए हैं, तो तुरंत इन लोगों को लेके स्कूल में बैठ गए। और रास्ते में इन लोगों का खाना लेकर पैक करके लाए थे, गाड़ी में खिला दिए, क्योंकि घर पे खिलाते तो बहुत टाइम लग जाता है, तो इसलिए हम लोग खाना वाना खिला कर जल्दी टाइम का सेव कर लिए। और ये देखिए, हम लोग इतनी बुरी तरह जाम में फंसे, इतनी बुरी तरह करीब खलीलाबाद के पास, कि 2 घंटा हम लोगों को जाम में फंसे हो गया। हम लोग सोचे थे 6-5 बजे पहुँच जाएंगे, लेकिन हम लोग करीब जाके 8-9 बजे पहुँचे घर पर, क्योंकि हम लोग को 2 घंटे सिर्फ जाम में फंसे हो गया। और अब हम लोग अपने मायके पहुँच गए हैं। देखिए, ये हम लोग अंदर घुस रहे हैं और ये पूरा हमारा घर सज चुका है शादी का। और ये हमारा देखिए डेकोरेशन है, जहाँ लेडीज संगीत और मेहंदी होना है। तो ये हम लोग अभी करीब रात के 8-9 बजे पहुँचे हैं, बहुत देर हो गया था। और मेरे पापा बैठे हैं और अब हम लोग यहाँ पर रात में खाना खा रहे हैं और गप सप कर रहे हैं। सब लोग एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे हैं। ये मेरा आयुष है और ये हमारी पल्लवी हैं, तो ये जो बड़े भैया का लड़का है। तो यहाँ हम लोग देखिए खाने पर सब लोग हंसी मजाक और बातें कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सब लोग, हम लोग बाहर बैठ के खूब इंजॉय करते हैं, खाना भी खाते उसी समय खूब बातें करते इकट्ठा होकर। और ये हमारे घर का डेकोरेशन है, देखिए आपको दिखा रहे हैं कैसा हुआ है डेकोरेशन। क्योंकि कल जिस दिन पहुँचे हैं उसके नेक्स्ट डे वो था लेडीज संगीत और मेहंदी था, तो ये उसी का डेकोरेशन था। और उसके बाद फिर फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। तो थोड़ा मेरा वीडियो लेट हो गया, क्योंकि मेरी यहाँ मैके में नेट की थोड़ी प्रॉब्लम है, नेट ठीक से चलता नहीं है। तो मैं घर आ गई हूँ, तो घर बनाने के बाद वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ, बना रही हूँ। तो ये आपको डेकोरेशन दिखाती हूँ। देखिए मेहंदी का हुआ है, मेहंदी के बाद फिर यहीं पर हल्दी भी होगा। तो ये पूरे घर का मेरा डेकोरेशन है। यहाँ सब लोग बैठकर खाना खा रहे हैं हम लोग। और हम लोगों ने क्या किया कि मेहंदी वाले को दिन में ही बुला लिया था, क्योंकि पूरा प्रोग्राम रात में था, तो हम लोग सोचे मेहंदी लग जाएगी तब तक अंशिका की सूख जाएगी, तो अच्छे से एंजॉय करेगी। तो मेहंदी लगवा दी उसका हम लोग पहले ही, और भाभी ये उसके शगुन का रख रही हैं मेहंदी लगाने से पहले उसकी नज़र उतार कर। तो ये भाभी हैं मेरी, और उसके बाद मेरी बहूरानी उसका नज़र उतार कर शगुन रखेंगी। शगुन पहले रख देते हैं, उसके बाद जो उनका होता वो देते हैं। तो ये देखिए बहूरानी मेरी, यही है वो लड़की जो 2 दिन बाद शादी कर लेगी, और इनकी हो चुकी है। लगना शुरू हो गया है और यहाँ नेट इतना स्लो है कि आपको वीडियो बहुत लेट में मिलेगा। ब्राइडल का थोड़ा सा लग चुका है, अभी आपको दिखाएंगे नहीं, फुल्ली कवर हो जाएगा। ये देखिए ब्राइडल इतनी एक्साइटेड है, खुद ही दिखा रही है। खाते हैं, ये है और लग ये रहा, अभी लगा नहीं है। देखिए लगा रही है दीदी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेहंदी के लिए बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्या मैं अंजलि दीदी की मेहंदी रिवील करूँ? मम्मी, क्या मैं अंजलि दीदी की मेहंदी रिवील करूँ? तो अब ये है इसकी मेहंदी, और अभी भैया बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट है इस वक्त, तो वो भी थोड़ा बाद में दिखाया जाएगा। और ये देखिए, ये देखिए। हेलो गाइस, हाउ आर यू गाइस? हो रही है इतनी भारी मेहंदी लगवा ली है। और ये देखिए, ये तैयार हो के आ गए हैं। हाय, हमारा चेहरा नहीं ना साफ आएगा इसलिए। आर्टिस्ट यही है। आप लोग देखिए मेरे भैया बहुत अच्छे हैं, आप लोग जब भी उनसे संपर्क करें, अच्छा कमीशन मेरा भी हो जाएगा उसमें। कमीशन देंगे आप?
और फ्रेंड्स ये मेरे ब्राइड की मेहंदी है जो भैया लगाते हैं, वो वहीं गोरखपुर में रहते हैं, उनके पास उनका नंबर मेरे पास है तो मैंने ही बुक कर दिया था। तो बहुत अच्छा मेहंदी लगाते हैं वो, और जैसा हम लोगों ने कहा वैसा ही उन्होंने लगाया। तो ये देखिए हमारी दुल्हन रानी की मेहंदी आपको दिखा रहे हैं, एक हाथ की भी लगी है इसलिए एक हाथ की दिखा रहे हैं। ये है उनकी मेहंदी। लेकिन स्टिल ट्राई योर बेस्ट कि रोइएगा मत, ऐसे मत मेरा कपड़ा फाड़ दिया। इस लड़की को देखिए, इसने मेरा कपड़ा फाड़ दिया। अच्छा चल, तो अब हम सबसे पहले पर दुल्हन अभी तैयार ही नहीं हो पाई है तो हम उस प्रोग्राम को डिले करेंगे। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि पर मेरी भाभी भी अभी तक फाड़ नहीं पाई है। अनु भाभी I'm not afraid.
सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। और लेडीज़ संगीत वाले दिन जैसे ही हम लोग का फंक्शन ख़त्म हुआ, वैसे हम लोग के घर की लाइट में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया, पूरा लाइट ही हम लोग का मतलब उड़ गया, तो उसको बनवाने में बड़ा टाइम लग गया। तो हम लोग जब तक लाइट नहीं थी तो मोबाइल की टार से हम लोग देखिए सब रील बनाए हैं, जो कि बहुत ही गंदा बन पाया है। थोड़ा बहुत हम लोगों ने अच्छा बनाने की कोशिश की है फ्लैश जलाकर, तो ये हम लोग का थोड़ा बहुत रील बनाया है। और आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं लेडीज़ संगीत और मेहंदी का। और अगला ब्लॉग मेरा हल्दी का आने वाला है, जो इससे भी शानदार और जानदार होगा, बहुत ही अच्छा है। वहाँ पर तो मतलब लेडीज़ संगीत से भी ज़्यादा अच्छा हुआ है, क्योंकि हम लोग की वो आई थी गाने वाली। बाय बाय।